नगर परिषद में स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस ठेकेदार के कर्मचारियों की हड़ताल पर होने के बावजूद एक कर्मचारी के परिषद की रोशनी शाखा में मौजूद होने की जानकारी पर नगर परिषद के पार्षदों ने आक्रोश जताया। आक्रोशित पार्षदों ने कर्मचारी को आड़े हाथों लेते हुए उसे शाखा से बाहर निकालकर कमरे पर ताला जड़ दिया। कमरे पर ताला जड़ने के बाद पार्षदों ने चाबी परिषद के वरिष्ठ लेखाधिकारी ओम कुमार गोवाल को सुपुर्द की। मालूम हो कि सोमवार को नगर परिषद के पार्षद चार की चरमराती रोशन व्यवस्था की शिकायत को लेकर उपसभापति लेखकचंद खटोर के नेतृत्व में नगर परिषद पहुंचे थे। इस दौरान पार्षदों को जानकारी मिली कि स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस ठेकेदार के कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के कारण यह हालात बने हैं, जिसको लेकर पार्षद अपना आक्रोश जता ही रहे थे कि उन्हें जानकारी मिली कि हड़ताल पर होने के बावजूद ठेकेदार का एक कर्मचारी रोशनी शाखा में बैठा हुआ है। इस पर आक्रोशित पार्षद मौके पर पहुंचे तथा कर्मचारी को भला बुरा कहते हुए कमरे से बाहर निकालकर उपसभापति लेखकचंद खटोर की उपस्थिति में कमरे पर ताला जड़ दिया और चाबी वरिष्ठ लेखाधिकारी ओम कुमार गोवाल को सुपुर्द की। भाजपा पार्षद मगर सिंह मोनू ने बताया कि जिस कक्ष में प्राइवेट कर्मचारी बैठा था उसका नगर परिषद के स्ट्रीट लाइट तथा अन्य सामान रखा हुआ है। कर्मचारी हड़ताल में होने के बाद भी उस कक्ष में बैठा था। ऐसी स्थिति में नगर परिषद की संपत्ति चोरी गायब होने पर कौन जिम्मेदार होगा? पार्षद हंसराज शर्मा ने बताया कि हड़ताल पर होने के बाद कर्मचारी की रोशनी शाखा में बैठना गंभीर है। जानकारी पर उसे वहां से बाहर निकालकर कमरे पर ताला लगाया गया तथा चाबी परिषद प्रशासन को सौंपी गई है। घटनाक्रम के दौरान उपसभापति लेखकचंद खटोट, मंगा सिंह मोनू, हंसराज शर्मा, वैदराज भाटी, श्रीराज सिंह, गोपाल सिंह रावत, वीरेंद्र सिंह राठौर तथा माया शंकर यादव आदि मौजूद थे। उपसभापति जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज डिपार्टमेंट के ताले लगाया और उनको एक कमरा अलॉटमेंट हो रखा, उसके अंदर सारी हमारी सरकारी लाइटें उसमें पड़ी है, उसकी चाबी एक प्राइवेट आदमी के पास में थी, सबकी कमरा हमारा सामान नगर परिषद का है, कमरा भी नगर परिषद का है, लेकिन प्राइवेट आदमी वहाँ पर इसकी चाबी लेके घूम रहा था। वो चाबी भी हमने अकाउंट सेक्शन में दी और अभी हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ये लाइटों की जो हड़ताल एक महीने से चल रही है, इसमें हम बीजेपी की नहीं कहते, सब पूरे कांग्रेस और बीजेपी दोनों वालों के पार्षद जो दलों के वो सब परेशान थे। इससे लेके आज थोड़ा सा हमारे को ये कदम उठाना पड़ा क्या शहर के अंदर जो लाइट व्यवस्था है वो बिल्कुल सही रहे और सही रहे। शहर की पूरी रोशनी व्यवस्था चरमाई हुई है, सभी वार्ड पार्षद परेशान है। आज उपसभापति लेखकचंद जी कठोर साहब के नेतृत्व में हम सभी ने जो प्राइवेट आदमी चाबी लेकर घूम रहा था, जो सरकारी रूम है जहाँ की लाइटों स्ट्रीट लाइटों के मेंटेनेंस के सामान और भी कई सामान वहाँ रखे हैं, हड़ताल होने के बावजूद भी वो चाबी लेकर घूम रहा था। तो आज उस माननीय सभापति महोदय को अवगत करा के उपसभापति जी के द्वारा लोक लगाकर सभापति और समक्ष अधिकारी को चाबी सौंपी गई।